My dear great champs, how are you all? Welcome back to our channel Learn and Grow Better. If you are new on my channel, please like, share, and subscribe the channel. Let's check out the knowledge with today's video. Let's get started. And one more thing don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. Today, we are going to start a new concept. New concept. a new pattern that is कॉन्सेप्ट based क्वेश्चन फ्रॉम क्लास सेवेंथ चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इससे पहले भी हमने एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी क्वेश्चन डिस्कस किया था डिटेल वीडियो के थ्रू अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को चेकआउट नहीं करा तो चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट लिस्ट आपको मिल जाएगी ताकि कुछ सर्च ना करना पड़े इजिली आप सारी वीडियो को स्क्रॉल करके कर देखिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इनबिल्ट हो पाए तो बेसिकली ये चैप्टर जो है हमारी विडियो में बहुत अच्छे से कवर कराया गया अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा तो जल्दी से जाना है उन वीडियोस को देखना है समझना है उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करना है तो ये क्वेश्चन होते कैसे इस पैटर्न में होगा क्या तो जैसे इंग्लिश में आपको पैसेज दिया जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड द क्वेश्चन आर टोटली रिलेटेड टू योर पैसेज बिल्कुल ऐसे ही साइंस में ऐसे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं यहाँ पर भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा उसे आपको रीड आउट करना है एंड आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चन मे बी इन एमसी फॉर्म और या तो वन मार्कर फॉर्म में आपको वन सेंटेंस ऐसा कुछ दे दिया जाए तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा लेट्स गेट गेटेंड टू दीडियो तो ये है पैसेज इससे पहले हम रीड करते हैं उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड Natural methods of asexual reproduction include strategies that plants have developed to self-propagate. तो natural method asexual reproduction yani ki single parent involve hoga aur wo single parent jo hai new offspring ko generate karega तो जो offspring generate होती है वो अपने आप ही self propagate करती है, self grow होती है. यानी कि हमें कुछ करना नहीं है natural method of asexual reproduction में हमें कुछ नहीं करना प्लांट अपने आप ही क्या कर रहा है न्यू ऑफ स्प्रिंग को ग्रो कर रहा है कुछ स्ट्रेटजीज के थ्रू क्या स्ट्रैटेजीज है? हैं देखते आगे मेनी प्लांट्स लाइक जिंजर अनियन ग्लेडियोली एंड डालिया कंटिन्यू टू ग्रो फ्रॉम बर्ड्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टेम तो स्टेम पर जो बर्ड्स प्रेजेंट होती है उससे ये प्लांट क्या करते हैं ग्रो करते हैं इन सम प्लांट सच स्वीट पोटेटो एडवेंस टू द्लाट और कुछ प्लाट्स जो है अपने रूट के थ्रू ग्रो करते हैं अपने स्टेम के थ्रू ग्रो करते हैं अपनी लीव्स के थ्रू ग्रो करते हैं तो ये सारे कहें नेचुरल मेथड्स है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के इन ब्रायोफिल्म दीवस है प्लांट जिसमें लीवस के मार्जिन पर क्या होती है छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं वेन दीज आर डीअैच फ्रॉम द प्लांट दे ग्रो इन टू इंडिपेंडेंट प्लांट तो जब ये बर्ड्स मेच्योर हो जाती है दे गेट प्रॉपर न्यूट्रिय फ्रॉम द प्लांट तो ये डीअटैचेस हो जाती है और एक न्यू प्लांट को डेवलप करती हैं तो यही तो होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट प्लांट जो है जनरेट करता है अपने ऑफ स्प्रिंग को और ऑफस्प्रिंग जो है फिर फर्दर पेरेंट बन जाता है और फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट करता है तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मेच्योर होते हैं फिर डी अटैच हो जाते हैं फिर मेच्योर होते हैं फिर डी अटैच हो जाते हैं तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूएशन में चलता चला जाता है दे मे स्टार्ट ग्रोइंग इन टू इनडिपेंडेंट प्लांट इफ द लीफ टच इज द सॉइल तो जो ब्रायोफिलम की बर्ड्स है जब वो मेच्योर हो जाती है डीअटैच हो जाती हैं और जैसे ही वो Soil में जाकर गिरती है मतलब टच करती है को, तो सम प्लांट कैन बी तो कुछ प्लांट्स जो है बाय कटिंग मेथड से भी ग्रो किए जाते हैं जैसे कि येस वेरी वेल डन मनी प्लांट तो पैसेज तो हमने अच्छे से पढ़ लिया ये था हमारा पैसेज फ्रॉम चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो पैसेज समझने के बाद अब हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो है तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से रीड आउट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है प्लांट्स लाइक जिंजर अनियन ग्लेड्यूले रिप्रोड्यूस थ्रू फ्रेगमेंटेशन बाइनरी फिशन वेजिटेटिव प्रोपकेशन स्पो फॉर्मेशन ये चार आपको ऑप्शन दिए हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है आपका ये तो आपको ये ध्यान रखना है ये जो जिंजर अनियन ग्लेड्यूले ये सब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अब हमने फोर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा फ्रेगमेंटेशन बाइनरी फिजन वेजिटेटिव प्रोपोकेशन स्पो फॉर्मेशन अब आपको क्या लगता है पैसेज में इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं चेकआउट करते हैं तो अगर आप पैसेज को रीड करो तो अनियन ग्लेड्यूले एंड डालिया जहां पर लिखा है वहां पर आप फोकस करो क्या लिखा है कंटिन्यू टू ग्रो फ्रॉम बर्ड्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टेम स्टेम पर जो बर्ड्स प्रेजेंट होती है उससे ग्रो करते हैं तो अगर मैं इन सारे प्रोसेसेस की बात करूं अगर ये सारे प्रोसेसेस नहीं बता आपको कि क्या होता क्या है इन प्रोसेसेस में तो आप वीडियो को पहले चेकआउट करो क्योंकि ये समझना जरूरी है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है बाइनरी फिजन में क्या होता है वेजिटेटिव में एंड स्पो फॉर्मेशन में तभी आप इसका आंसर दे पाओगे तो बेसिकली ये प्लांट जो है स्टेम से ग्रो हो पा रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये वेरी वेल डन इसका करेक्ट आंसर होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट देयर ऑफ स्प्रिंग तो इसमें वेजिटेटिव पार्ट क्या यूज किया स्टेम यूज किया स्टेम पर जो बर्ड्स थी उससे ये प्लांट्स जो है ग्रो हो पा रहे थे तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट पोटैटो प्लांट चियस डैश फर्स्ट वन is रूट स्टेम लीफ फ्लावर अब स्वीट पोटैटो से रिलेटेड देखते हैं हमें कुछ पैसेज में दिया है या नहीं ये ना पैसेज अब स्वीट पोटैटो जहाँ लिखा है हम आप फोकस करते हैं और एक बार रीड आउट करते हैं आपको यही करना है आपने पैसेज रीड करना है फिर क्वेश्चन रीड करना है फिर क्वेश्चन को रिलेट करना, करना है अपने पैसेज से फिर ही आप आंसर कर पाओगे तो देखो यहाँ लिखा है स्वीट पोटेटो एडवेंचियस रूट और रन कैन गिव राइज टू द प्लांट तो एडवेंचरस रूट्स तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रूट्स पर फोकस किया गया है तो करेक्ट आंसर क्या होगा रूट से रिलेटेड ही करेक्ट आंसर होगा चेकआउट करते हैं आंसर यस वेरी वेल डन ऑप्शन ए इज करेक्ट रूट्स स्वीट पोटैटो जो है वो एडवेंचरस रूट्स के थ्रू जो है न्यू ऑस्प्रिंग को जनरेट करते हैं नाउ द थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन सा आर्टिफिशियल मेथड नहीं है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने अपनी वीडियो के थ्रू जब समझा था तो मैंने आपको बताया था ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल वे के थ्रू भी होता है आर्टिफिशियल मेथड इज आल्सो इंक्लूडेड तो फर्स्ट ऑप्शन इज लेयरिंग सेकेंड वन इज कटिंग थर्ड वन इज क्राफ्टिंग एंड फोर्थ वन इज प्रोपोगेशन थ्रू एरियल स्टेम तो लेयरिंग कटिंग और क्राफ्टिंग ये सारे जो है आर्टिफिशियल मेथड है अब आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल मेथड कौन सा आर्टिफिशियल मेथड नहीं होगा तो प्रोपरगेशन थ्रू एरियल स्टेम ये जो है हमारा नेचुरल प्रोसेस है ये आर्टिफिशियल मेथड नहीं है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट नाउ द नेक्स्ट वन इज वॉट हैपन्स वेन अ लीफ इज लेफ्ट ऑन द सॉइल अगर ब्रायोफिलम लीफ जो है सॉइल में आ जाती है तो अभी तो हमने लास्ट में डिस्कस करा था फिल्म क्या है ये ऐसा लीफ होता है जिसके मार्जिन पे बहुत छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं तो जब ये बर्ड्स जो हैं सॉइल में गिर जाते हैं सॉइल को टच कर जाते हैं तब ये एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये वेरी वेल डन ऑप्शन सी इज करेक्ट इट ग्रोज इन टू अ न्यू प्लांट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन बी ग्रो थ्रू क्राफ्टिंग फर्स्ट वन इज पोटैटो मैंगो मिंट एंड बॉगनवेला तो आपको ध्यान रखना है अगर आपने सारे मेथड्स पढ़े और आपको एग्जाम्पल ध्यान है इससे रिलेटेड दिया भी हो सकता है पैसेज में कई बार होता है कुछ क्वेश्चन थोड़ा जनरल वे में पूछ लेते हैं पैसेज में आंसर नहीं मिलता हमें तो हम फिर भी एक बार पैसेज को दोबारा से देखते हैं क्या आंसर उसमें है और अगर नहीं है तो थोड़ा सा आपने सोचना है अगर आपने चैप्टर में पढ़ा है तो आपको बहुत ईजिली आंसर पता चल जाएगा

वो इन्फो नहीं मिल पाती है आपको तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि जिनका डायरेक्ट आंसर जो है पैसे से नहीं मिलता वो इनडायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं कुछ अनसीन टाइप क्वेश्चन तो ये वही अनसीन टाइप क्वेश्चन है तो अटेम्प्ट करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी मैंगो क्योंकि पोटैटो जो है अगर आप अलग अलग इनको एलिमिनेशन मेथड से करो तो आपको पता है पोटैटो को ट्यूबर कहते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नेचुरल मेथड से ग्रो किए जाते हैं बॉगेनवेला वगैरह ये हमारा लेयरिंग मेथड से ग्रो किया जाता है लेयरिंग कटिंग वगैरह से तो एक कर कर इन्हें क्या करना है आपको एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करना है तो मैंगो जो है वो ग्राफ्टिंग मेथड से यूज़ किया जाता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के मैंगोज को ग्रो करना डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के मैंगो को ग्रो करा जाता है बाई ग्राफ्टिंग मेथड तो ये था हमारा बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है ये हमने अपनी वीडियो के थ्रू देखा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करिए थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल लर्न एंड ग्रो बेटर